सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीरा देवी और आप सभी का स्वागत है हमारे देव भूमि हिमाचल प्रदेश में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 6 बज गए हैं तो आज की वीडियो की शुरुआत मैंने बहुत ही सुबह सुबह कर ली है। और हमारे यहाँ पे सुबह 6 बजे तो धूप लग जाती है, आज भी लग गई है, लेकिन आज थोड़े से बादल होने की वजह से अभी धूप उतनी दिखाई नहीं दे रही है। और कल दिन में भारी बारिश हुई है तो बहुत ही मज़ा आया है बारिश से। और इस बारिश ने तो पूरी गर्मियों की कसर ही निकाल दी है, 3-4 घंटे लगातार बारिश हुई है। तो आज तो बिल्कुल ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मौसम एकदम बढ़िया लग रहा है, शांत लग रहा है। और गर्मी से तो आज पूरी तरह से राहत मिल गई है, इतना अच्छा मौसम लग रहा है आज तो। और सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके मैं करती हूँ थोड़ा सा योगा प्राणायाम, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और सेहत के लिए सबको ज़रूरी होता है ये। तो सुबह सुबह मेरा योगा प्राणायाम भी हो गया है और वहाँ पे देखिए मेरी भैंस मुझे बुला रही है, अब मुझे अपनी भैंस धोनी है। तो मैं ना थोड़ी देर टाइम निकाल करके पहले योगा कर लेती हूँ तब आती हूँ मैं भैंसों के पास। तो ये देखिए ये बोल रही है तूने देर कर दी, तो आ गई मैं, है आई आई। तो अब मैं अपनी भैंस को धो लूँगी और ना मौसम भी ख़राब होने लग गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश लग जाए। और ये जो कल की बारिश हुई है ना, तो इससे तो लग रहा है कि अब बरसात शुरू हो ही गई है। तो सुबह सुबह भैंस धोने का काम भी हो गया है और अब ये ना घास खाने के इंतज़ार में खड़ी हुई है। अभी तो इनको दलिया दिया है, दलिया खा रही है तो ये। और भैंस धोने के बाद मैं खिलाती हूँ अपनी भैंसों को दलिया, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना अपनी भैंसों के पास आकर के। और वैसे भी मुझे तो बहुत साल हो गई है पशु पाले हुए, कम से कम मुझे वैसे तो पशु पाले हुए मेरे को हो गई है 26 साल, लेकिन मैंने जो भैंसे पाली है ना तो भैंसे पाले हुए हो गए हैं मेरे को 17 या 18 साल। पहले शुरू में मैंने 2-3 साल गाय भी पाली थी, पर फिर मैंने गाय बेच दी थी। तो गाय बेचने के बाद हमने रखी फिर भैंस से। और मेरी ये जो मिट्ठू है ना, तो ये हमारी अपने घर की पाली हुई, तो मैंने पता नहीं कितनी इसके जैसी मिट्ठू पाली और कितने बच्चे भैंस के पाल करके मैंने बेच दिए हैं। तो मुझे इन बसों से बहुत लगाव है, सुबह सुबह सच्ची में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनके पास आ करके। और जब से मैंने भैंस से पाली है ना, तो मैंने पहले ली थी एक भैंस, तो उसी भैंस से चले हुए थे मेरे आगे को जितने पशु हुआ करते थे। मेरे पास 3-3 भैंसें रहा करती थी आज तक, वहाँ पे पीछे जो बड़ी भैंस दिखाई दे रही है ना, अभी इसको लिया है हमने 2 साल पहले, वरना तो मैंने घर की भैंसें पाली हुई थी। जो भी मेरे पास पशु रहते थे पूरे पशु मेरे अपने घर के पाले हुए बच्चे होते थे, उन छोटे बच्चों को मैं पाल करके बड़ा करती थी और वही मेरी भैंसें हुआ करती थी। तो अब हम अपनी भैंसों को घास काटेंगे, मौसम ख़राब होने लग गया है, तो अगर बारिश लग जाती है ना तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है भैंसों को घास लाने के लिए। तो हरा घास काटना है हमें, और ये हरा घास पेड़ों से काटेंगे, तो इसको इस हरे घास को हम अपनी भैंसों को बाहर ही खिलाते भी हैं। और अंदर इसलिए नहीं खिलाते हैं कि दोनों भैंसों को थोड़ा अलग अलग डालना पड़ता है, तो बाहर खुले में थोड़ा सा अलग अलग डालेंगे, दोनों खा लेगी, अंदर इकट्ठा ही डालना पड़ेगा, अंदर उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कमरे में, तो इसलिए सुबह सुबह पहले घास भी काट लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हरदीप के पापा पेड़ पर चढ़ गए हैं घास काटने को, और ये पेड़ पर से घास काटेंगे और मैं नीचे से इकट्ठा कर लूँगी। और इस पेड़ के घास को हमने पहले नहीं काटा था, हमने इसको इसलिए छोड़ा था कि इस पे ना पक्षियों ने अंडे दिए हुए थे और अब तो पक्षियों ने बच्चे तैयार करके उड़ा दिए हैं, अब यहाँ पे कोई पक्षियों के बच्चे नहीं हैं। तो तब काट रहे हैं अब हम इस पेड़ पर से घास को। और ये जो कल बारिश हुई है ना, तो इस कल की बारिश से हमारी जो भी सब्जियाँ हैं वो इतनी अच्छी दिख रही है ना, पूरी तरह से खिलखिला रही है ये, और पूरे पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और धरती पर भी चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। तो सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है, तो चलिए थोड़ा सा आपको सुबह का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी परोड़ की बेल दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हरी भरी है ये, और ये काफ़ी लंबी भी हो गई है, ये देखिए जो हमने स्पोर्ट लगाई हुई है ना, तो इसके काफ़ी ऊपर जा चुकी है ये। और यहाँ पे इस पर देखिए छोटा सा परोड़ भी लग गया है, ये देखिए ये रहा परोड़ छोटा सा, ये देखिए टेढ़ा जैसा लगा से धन लगाइए। और यहाँ पे देखिए नीचे ये हमारा फाट है, और यहाँ पे तो देखिए हरी हरी घास उगी हुई है, और नीचे को है हमारे खेत, तो खेतों में है हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे। तो ये देखिए पूरी हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, ये देखिए धरती पे आज। तो
यहाँ पे देखिए घास काट करके नीचे गिरा दिया है, तो अब मैं जल्दी से ये घास यहाँ से इकट्ठा करूँगी और इसको ले जाऊँगी घर को। देखिए तो घास ला करके हमने अपनी भैंसों को घास डाल दिया है, और ये देखिए ऐसी लकड़ियों वाला घास डाला है हमने अपनी भैंसों को, और इनका तो एक टाइम का हो गया है, अब करना है अपना। तो अब मुझे बनाना है खाना, और अभी ना थोड़ी देर पहले मौसम ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी लगी जाएगी, तभी किया हमने जल्दी जल्दी से ये घास वाला काम पशुओं का, मना तो घास अभी थोड़ा देर से करते। तो खाना भी बन गया है हमारा, और बिल्कुल सिंपल सा खाना बना है। तो ये देखिए झोल रोटी और भिंडी की सब्जी बनी है आज खाने में। तो मैंने ना दही का झोल बनाया है, वैसे तो छाछ का बनता है पर हमारे खुद के घर की होती है दही, तो मैं ज़्यादातर दही का ही बनाती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और हर जगह का अपना अपना बोलचाल होता है और अलग अलग खान पान होता है, तो हम बोलते हैं हमारी भाषा में झोल, वैसे कई जगह इसको रेड़ू बोलते हैं, तो हम तो जो अपने गाँव में बोलते हैं वही बोलेंगे, हम तो झोल ही बोलते हैं। तो अब हम खा लेते हैं झोल रोटी। तो खाना भी हो गया, और जितने को खाना वगैरह हुआ उतने को बच गए दोपहर के 12, और इस YouTube के चक्कर में टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है, बहुत लेट हो जाते हैं बनाने को भी और खाने को भी, तो बहुत सारा काम पड़ता है, कभी कैमरा सेट करना पड़ता है, तो ये वो इतना सारा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। वैसे YouTube ना एक लॉटरी भी है, ये किसी की लग जाती है तो किसी की रह जाती है, तो ये तो अपने अपने किस्मत का खेल है सारा, अपने अपने भाग्य की बात है। और अभी मौसम ना पूरी तरह से गर्मी का बन गया है, फिर से सुबह तो थोड़े से बादल आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश लग जाएगी, पर अभी फिर से धूप लग गई है, और अभी तो फिर से ऐसी की ऐसी गर्मी हो गई है जैसे कि रोज होती है। तो मुझे चक्की में दलिया पीसना था, पर आज लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, तो मेरा दलिया पीसने को तो रह गया है, वो शाम तक देखूँगी मैं। और उतने को मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देखिए यहाँ पर हमारी सब्जियाँ हैं, देखिए यहाँ पर ये करेले की बेले हैं, तो ये ना काफ़ी अच्छी हो गई है, और यहाँ पर करेले भी लगने लग गए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरी भैंसों को घास भी हो जाएगा, और यहाँ पे मेरी बेलों की सफाई भी हो जाएगी। तो चलिए मैं करेले दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये रही हमारी करेले की बेल, और इसमें ना करेले आने लग गए हैं, ये देखिए एक करेला यहाँ पे लग गया है, और एक ये लग गया है, ये दो तो बड़े बड़े हो गए हैं, बाकी बीच में छोटे छोटे और भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ये करेले की ही बेले हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारी ये दो बेले हैं साथ में, ये लौकी की है और लोकल खीरा की है हमारी, तो ये दोनों बेले एक साथ में ही है। और ये देखिए ये जो फूल दिख रहे हैं ना पीले पीले, तो ये है हमारी खीरे की बेल, तो इनको भी स्पोर्ट लगानी है, भी धरती पर ही है ये बेले, देखिए अभी ऐसे पड़ी हुई है ये, तो लगानी तो थी, इनको भी स्पोर्ट देखते हैं कब लगती है। तो अब मैं कर लूँगी यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई, घास भी हो जाएगा हमारा, और अगर टाइम लगा तो अभी हम यहाँ पे स्पोर्ट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी स्पोर्ट भी लग गई है, ये देखिए ए वाली स्पोर्ट लगाई है आज हमने, और अब ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी यहाँ पे काम करने को बाकी रह गया है, तो ये तो आज नहीं हो पाएगा शायद। और यहाँ पे ना बहुत सारी घास वगैरह थी निकालने को, तो घास भी निकाल ली, और भैंसों को घास भी हो गया यहाँ पे, और शाम के 6 बज गए हैं हमें यहाँ पे काम करते करते, और लाइट गई थी ना सुबह की, तो लाइट भी अभी के अभी आई है, तो मुझे दलिया पीसना था सुबह ना, तो अब आ गई है लाइट, तो मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ भैंसों के लिए दलिया, पर उससे पहले मुझे अपनी वीडियो का करना है यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।